स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रैशनल नंबर्स. तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? तो बाय डेफिनेशन जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर. वो नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी डिवाइड में क्यू की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हो, वो है आपके रैशनल नंबर्स. ठीक है. अब यहां पर पी और क्यू, ये जो पी है और ये जो क्यू है, ये दोनों होने चाहिए इंटीजर्स. ये होने चाहिए इंटीजर्स. अब एक और चीज कह रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो. इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू जीरो. q आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो तीन बातें बोल रहा है, एक तो p बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, और p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स. एग्जाम्पल कैसे, जिसे आपका है 5/7. जब आप इस फॉर्म में लिखते हो तो वो आपका रेशनल नंबर होता है. बट कंडीशन क्या है? P कहाँ है? ऊपर. ये किस फॉर्म में है? P बाय क्यू. इसी तरह बोल रहा है P बाय क्यू फॉर्म में. तो P की वैल्यू यहां पर क्या हुई? 5. Q की वैल्यू यहां क्या हुई? 7. तो ये दीज वैल्यूज, जब आप P और Q की वैल्यू पुट करते हो, तो दीज वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर्स. और इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जीरो मिडल में नंबर लाइन जब हम शो करते हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज इस साइड होती है राइट साइड, एंड नेगेटिव वैल्यूज कहाँ होती है? टू द लेफ्ट साइड. तो इंटीजर्स यानी पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज, आप दोनों वैल्यूज आप इसमें डाल सकते हो. तो P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए. बट कंडीशन ये है कि Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए. आपकी वैल्यू इस तरह से नहीं होनी चाहिए. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर 5, यहाँ P की वैल्यू आपने पुट की है 5, Q की वैल्यू यहाँ पर है 0, तो ये केस नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये केस आपका अनडिफाइंड होता है. तो इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि P बाय क्यू की फॉर्म में आपको लिखना है. तो P की वैल्यू यहां अब हम वैल्यू में पुट करती हूं -4, और Q की वैल्यू पुट करते हैं 9. तो ये भी एक रैशनल नंबर है. अब यहां पर जो P की वैल्यू पुट की है वो -4, तो ये कौन सा इंटीजर हो गया? ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर. और 9 हो गया यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर. आपको इंटीजर पुट करनी है. P और Q मस्ट बी इंटीजर्स. अब ये इंटीजर्स फिक्स नहीं है कि आप पॉजिटिव ही हमेशा रखेंगे, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, ऊपर वाला यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नीचे पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है. तो ये होते हैं डेफिनेशन आपके रैशनल नंबर्स के, कि वो नंबर जो एक्सप्रेस होंगे पी बाय क्यू. अब ये यहाँ पर जो p वैल्यू है, ये आपका न्यूमरेटर होता है, और जो 9 वैल्यू है ये आपका डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर होता है. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम जो कहते हैं वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स. बट कंडीशन क्या है? वो देयर शुड बी इंटीजर्स. इंटीजर्स जरूर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कोई और होल नंबर्स. अगर होल नंबर नहीं बोला उसने, होल नंबर में क्या होता है? जीरो से लेकर आपके काउंटेड नंबर्स, तो सारी यहाँ पर पॉजिटिव होता है. तो यहाँ होल नंबर ना कह के वो कह रहा है यहाँ पर इंटीजर्स. तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. और कंडीशन क्या है? क्यू जो डिनोमिनेटर है, क्यू कहाँ पर है? डिनोमिनेटर साइड, डिनोमिनेटर साइड. तो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. अब नेक्स्ट आता है कि रैशनल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के हो सकते हैं आपके.
तो आपको अभी बताया कि रेशनल नंबर्स p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं। p बाय q मतलब ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं और नेगेटिव की। पॉजिटिव मतलब ये कंप्लीट वैल्यू, p बाय q ये कंप्लीट वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं 4/5, तो ये क्या है आपकी ऊपर वाला, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ये आपका केस होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का। फिर एक और केस हो सकता है, ये वाली वैल्यू ये भी आपकी पॉजिटिव रेशनल नंबर में आती, क्यों, रीजन भी माइनस से जब माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3/7, तो इसलिए ये क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। नेगेटिव यानी ये कंप्लीट वैल्यू, p बाय q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म जो भी है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो इसी में एग्जांपल लेते हैं -4/5, यहाँ पर एक वैल्यू, आप डिवीजन रूल यहाँ फॉलो करें, ये माइनस ये प्लस, तो डिवीजन रूल में माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस डिवाइड होता है प्लस से, तो क्या होता है जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस, इसलिए ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसी में एग्जांपल लें तो ये भी आपका एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, सेम ऊपर है पॉजिटिव नीचे है नेगेटिव वैल्यू, तो ये भी क्या होती है जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा नेगेटिव, तो इसलिए ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये आपको एग्जांपल्स दिए मैं, तो पी और क्यू की फॉर्म यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपका ये रेशनल नंबर होगा, रेशियो होगी रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर में ही देखिए वर्ड आ रहा है आपका रेशियो, ठीक है, RATIO, तो रेशियो बनेगी रेशनल नंबर्स में, वर्ड में ही आपका आंसर है कि रेशियो होनी चाहिए। रेशियो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपके वो नंबर्स होने चाहिए। अब वो पॉजिटिव कौन से होते हैं ये वाले, और नेगेटिव कौन से होते हैं ये वाले।